आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही यूपी को मिले करीब 125,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही करीब 150 निवेशकों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए यूपी सरकार ने 2 महत्वपूर्ण पोर्टल तैयार किए हैं। मंगलवार को दिल्ली में होने वाले GIS कर्टन रेजर समारोह में सीएम योगी दोनों पोर्टल और लोगों का शुभारंभ करेंगे। दोनों पोर्टल की टेस्टिंग और कामकाज को परखने के लिए कुछ चुनिंदा निवेशकों को इसके लिंक भेजे गए थे और एक हफ्ते से भी कम समय में इन पोर्टल्स के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। इन्होंने पोर्टल पर जो इंटेंट फाइल किया है वो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ और ईडी ने अफजाल अंसारी से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है। सांसद अफजाल अंसारी से संपत्ति और आय के स्रोत के बारे में जानकारी ली गई है। मुख्तार के साले शर्जील रजा से भी अफजाल अंसारी का आमना सामना कराया गया। मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर से आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई। तो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है मुख्तार अंसारी पर और सांसद अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की है। तो कैसे ये पूछताछ हुई, क्या कुछ और सामने आया है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ईडी ने समन जारी करके अफजाल अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के प्रयागराज स्थित दफ्तर में अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई है और सांसद अफजाल अंसारी से ईडी की टीम ने इससे पहले 9 मई को भी पूछताछ की थी। ईडी को यह शक है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के अवैध कारोबार को अफजाल अंसारी ही सियासी संरक्षण देते हैं और अफजाल अंसारी के बाद अब जल्द ही मुख्तार के परिवार के कुछ और सदस्यों को भी समन जारी करके तलब कर सकती है ईडी की टीम, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ मुख्तार के खिलाफ दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब आगे शिकंजा कसता जा रहा है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है जिसमें कई बड़े खुलासे होने की बात भी सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार के भाई अफजाल से सवाल जवाब हुए हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ हुई और तकरीबन 8 घंटे तक अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।